इंद्र आदि फूल बरसाने लगे, इंद्र आदि प्रणाम करने लगे। अरे प्रणाम तो राम जी को करो भाई, विश्वामित्र को क्यों कर रहे हैं? इंद्र आदि उन्हें प्रणाम करने लगे, आपके कारण राम जी आए और ताड़िका मारी गई। इंद्र को किसे प्रणाम करना चाहिए? भगवान को भाई, मारी किसने है? ताड़िका जैसी अव्यवस्था का अंत किसने कर दिया? ताड़िका के साथ जितने दुष्ट थे सब मारे गए, तो राम ने किया ना। लेकिन प्रणाम किसको कर रहे हैं? विश्वामित्र को, कि हे भगवान आपके कारण राम यहां आए, आपका संकल्प हुआ, आपने प्रेरणा दी, निष्कंटक कर दिया और फिर राम को न्यौछावर हो गए, फिर गिर पड़े राम के चरणों में सब। अदृश्य भाव से, अदृश्य भाव से ध्यान रखना, क्योंकि देवताओं के पास देह नहीं होते, देवता दिखाई नहीं देते, देवता दिखेंगे नहीं। पर विश्वास कीजिए, जब आप आहुति देंगे तो प्रकट हो जाएंगे, जब आप स्वाहा बोलेंगे तो सामने आएंगे, दिखेंगे नहीं। अदृश्य भाव से वो विश्वामित्र को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, विश्वामित्र को धन्यवाद दे रहे हैं। निकलते ही ताड़िका का वध, विश्वामित्र अत्यंत हर्षित है। राम कितने उदार हैं, कितने दूरदर्शी हैं। एक निशाचर छोड़ दिया राम ने एक निशाचर छोड़ दिया, मारीच, कि वो बता सके कि मैं आ गया हूं, मैं प्रकट हो चुका हूं, वो मेरे बल शक्ति सामर्थ्य मेरी अनंतता अजेयता का बोध करा सके वो रावण को कि राम आ गया। ऐसे मारीच को छोड़ दिया और मान पर बैठाकर मंत्र बल से लंका में भेजा कि जा अपने स्वामी को बता देना कि ताड़िका का अंत हो गए। एक एक समाचार सुनाए रावण को मारीच ने। वो कितने मनमोहक हैं, सुंदर हैं, सुजान हैं, अजानु बाहु हैं, वो कितने कमनीय हैं, वो कितने मोहक हैं। मंगल मूर्ति राम, मारी चलाया था चूंकि स्वामी की आंख मुदी हुई, एक मुहूर्त तक रावण की आंखें बंद रहीं। मारीच बताता गया भगवान के रूप गुण शील सौंदर्य का बखान करता गया। मारीच को लगा कि अब आंख खुलेगी मेरे स्वामी की, रावण की, मुझे पुरस्कार मिलेगा अथवा तो कुछ प्रतिक्रिया देगा मेरा स्वामी। लेकिन रावण की तो आंखें नहीं खुली। भगवान के रूप गुण शील की चर्चा सुनकर जानते हो रावण को क्या हो गया? समाधि लग गई। राम इतने मधुर कमनीय कोमलांग, इतने सुचि सुंदर, इतने सुजान अजान बाहु कम्बु ग्रीवा कंठ उनका, वो इतने उदार हैं कि ताड़िका पर रोष नहीं किया उन्होंने, ताड़िका को अपने धाम में भेज दिया, ताड़िका का तारण किया उन्होंने, ताड़िका का वध नहीं किया, ताड़िका का को मारा नहीं है, ताड़िका का तारण है। एक छोटी सी बात कहनी थी, उसे याद रखना, राम को किसी को मारना नहीं आता, तारना आता है। राम तारक हैं। राम मारक हैं क्या? पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामः भिराम, धेयम धेयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। ये कौन बात बता रहा है? ये बात किसकी है? भगवान महादेव की। भगवान महादेव अपनी अर्धांगनी से कह रहे हैं, अरे उमा सुनो, ये जो राम शब्द है ना, इसे लोग सुनना बंद कर दें, क्योंकि सुनी जाती है बात कानों से और कानों से बातें सुनी जाती हैं और रस भी आ जाता है। कानों से क्या बे रस? अच्छा शहद कानों से चाटोगे क्या? दूध कान से पियोगे? शरबत यहां से पियोगे? बोले राम तो अमृत है, कानों से पिया जाना चाहिए। राम अमृत है,
रामामृतम पेयम पेयम श्रवण पुटके। पार्वती कहने लगी क्या कह रहे हैं स्वामी? बोले हाँ कानों से पियो। क्या? पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिरामम। राम को यहां से सुना नहीं, पिया जाना चाहिए। धेयम धेयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। तारक मंत्र है ये, राम तारक हैं, भव तारक हैं, जगोद्धारक हैं, मारक नहीं है, तारक हैं। तारक मंत्र है। मारीच ने 2.5 घंटे तो प्रतीक्षा की, ये सुनाना दूसरों को बात। 2.5 घंटे तक तो प्रतीक्षा करता रहा कि स्वामी की आंख खुले तो मैं कुछ कहूं, पर स्वामी तो समाधि में ही चला गया।